यकीन मानो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे या तो आप कॉफी मेकर मशीन परचेस करोगे या फिर नहीं करोगे। अगर परचेस करना तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसका यूज करना, बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल टेक यूट्यूब। दोस्तों, जानकारी वही है जो सही है। चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसे ही विंटर की शुरुआत होती है, जो मैंने कॉफी मेकर के ऊपर में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जैसे लाइक मर्फी रिचर्ड या फिर एगारो एक्सप्रेसो या और भी जितनी वीडियो मैंने बनाई है कॉफी मेकर मशीन के ऊपर में, उन सब पर वीडियोस पे कमेंट आने शुरू हो जाते हैं कि सर, मैं बहुत बड़ा कॉफी का लवर हूँ और मुझे एक कॉफी मेकर मशीन परचेस करनी है, तो कौन सी कॉफी मेकर मशीन मैं परचेस करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर से जवाब देना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताओ कि आपको पता है कि जो ये फिल्टर कॉफी मशीन है, इसमें किस तरह की कॉफी को यूज किया जाता है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं दोस्तों, आप अपने घर में जो कॉफी यूज करते हो, लाइक नेस्कैफे, ब्रू, टाटा या और भी बहुत सारी ब्रांड है, लविस्टा, मतलब इतनी सारी ब्रांड है कि मुझे भी उतना नहीं पता। वैसे आप बताना कि कौन से ब्रांड की कॉफी आप पीते हो प्रेजेंट। अब दोस्तों, ये जितनी भी कॉफी का नाम मैंने लिया, ये सारी जो कॉफी है ये इंस्टेंट कॉफी है। अब इंस्टेंट कॉफी और फिल्टर कॉफी में दोनों में फर्क क्या है, अब आपको बताते हैं। दोस्तों, फिल्टर कॉफी का यूज करने के लिए ही आपको इस तरह की मशीनों की जरूरत पड़ती है जिनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई, लाइक मर्फी रिचर्ड की एस्प्रेसो हो या फिर एगारो की एक्सप्रेसो हो, इस तरह की मशीनें जिसमें किसी में 15 बार प्रेशर है तो किसी में 5 बार प्रेशर है। अब ये प्रेशर का क्या रोल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो फिल्टर कॉफी होती है ये पानी में आसानी से डिजॉल्व नहीं होती है, इसलिए आपको इन मशीनों की जरूरत पड़ेगी ताकि उसमें जो कॉफी है वो फिल्टर से एक्सट्रैक्ट होके निकल जाए। इसलिए इस तरह की आपको फिल्टर कॉफी की मशीनों की जरूरत पड़ती है। अब आप अगर अपने घर में इंस्टेंट कॉफी बनाते हो, लाइक नेस्कैफे, ब्रू या जो भी, तो उसको आप एक स्टेप आगे क्यों ले जा रहे हो? आप जिस तरह से बना रहे हो दूध में या पानी में डालकर, उसी तरीके से बनाओ। अगर आप उस कॉफी का यूज इसमें करना चाहोगे मशीन में, तो एकदम से ये यूजलेस है, किसी भी काम का नहीं है और उसको परचेस भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने इंस्टेंट कॉफी फिल्टर कॉफी बनानी है, उससे तो बेहतर है फिर आप मोका पॉड वाली या फिर ड्रिप कॉफी मशीन परचेस कर लो, बट आपको अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो ऑलरेडी मैंने इस पर बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चेकआउट जरूर करना। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो फिल्टर कॉफी होती है ना, इस फिल्टर कॉफी के अंदर में किसी किसी बढ़िया ब्रांड में 80% कॉफी, 20% चिकोरी, और जो सस्ती कॉफी होती है लाइक जैसे टाटा की ग्रैंड कॉफी या और भी जो ब्रांड है जो लगभग 200-250-300 रुपए में किलो में मिल जाती है, तो उनमें आपको 60% चिकोरी और 40% कॉफी मिल जाएगी। अब ये चिकोरी क्या है, ये भी आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो, पर जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, ये जो चिकोरी है एक तरह की एक पेड़ की रूट होती है। अब इसको किस तरह से प्रोसेस किया जाता है आई डोंट नो, बट ये पानी में आसानी से डिजॉल्व नहीं होती है, इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप फिल्टर कॉफी मशीन में कॉफी डालने, ये फिल्टर कॉफी डालने के बाद जब कॉफी निकल जाती है तो एक चौक जैसा निकल जाता है, एक गोल चक्के जैसा, आपने देखा होगा, मैंने ऑलरेडी इसमें शॉर्ट में डाला है, बहुत सारी वीडियो में डाला है, आप चेकआउट जरूर करना। तो ये फर्क होता है। अगर आपने इंस्टेंट कॉफी पीनी है फिर तो मेरे हिसाब से आपको इस तरह की कोई भी मशीन को परचेज नहीं करना चाहिए। अगर आपको फिल्टर कॉफी पीना पसंद है या आपने पी है तो ही आपको इन मशीनों की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपको इन मशीनों की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। खाम खा के आपके 7-8 हजार रुपए या सस्ती वाली भी लोगे तो 4-5 हजार रुपए फंस जाएंगे, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगा। उससे बेहतर है कि आप एक छोटा सा मिल्क फाउडर खरीद लो, लाइक 100-150 रुपए में मिल जाएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेकआउट करना, या फिर उसको ही परचेस मत करो। सिंपली आपने देखा होगा कि कैसे घर पे ही बगैर किसी मशीन के फिल्टर कॉफी बनाए, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सिंपली कुछ नहीं करना है, पाउच ले लो सैशे कॉफी का या फिर जो भी चम्मच, आप खुली हुई कॉफी अगर आपके पास है बड़ी वाली तो एक चम्मच कॉफी ले लो, एक चम्मच शक्कर डाल दो, हल्का सा पानी डाल के काफी देर तक उसको फेंट लो। फेंटने के बाद वो फिल्टर कॉफी जैसा उसका जो क्या बोलते हैं फोम वगैरह आ जाएगा, तो उसमें आप आसानी से
फिल्टर कॉफी का एंजॉय कर सकते हो। दैट्स इट, तो आपको एक्स्ट्रा स्टेप लेने की जरूरत ही नहीं है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपने मशीन परचेस करनी है या नहीं करनी है। फिर भी अगर आपने परचेस करने वाले हो तो कमेंट करके जरूर बताना।